सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं खरकबैसी और यहाँ पर देखिए ये स्टेट हाईवे बिल्कुल जाम कर दिया है जो भिवानी से भिवाना जाता है और यहाँ पर पूरा गांव खरकबैसी आसपास के सभी नागरिक यहाँ मौजूद हैं क्योंकि 3 दिन से इनकी डेड बॉडी जो है बच्चे की रोहतक पीजीआई में पड़ी है और यहाँ पुलिस प्रशासन भी पहुँच रहा है। आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए संदीप ना पकड़ लो फिर अपने सोपते संदीप ना तू ये हमारे अंकल जी है ठीक है उनसे बात करो आप यहीं पे 5 मिनट अगर वो है कर सकते हैं दो करवाना ले लो इनका और मेरे से बात करे जाओ भाई कल भी मैं आपके बीच में रहा हूँ पूरा एक मिनट बैठ जाओ ना बैठे तो खड़े रहो सुन लो मैं सारी बात कल मैं पूरा दिन आपके बीच में रहा हूँ हॉस्पिटल में 10 बजे तक पोस्टमार्टम होया है वो करवा दिया फिर आपने डेड बॉडी ना ली आगे वह रखवा रखी है। मैं सारी रात का उन्हें उठाने के लिए घूम रहा हूँ। मैं दिन में आया था आप जो बोल रहे हो मैं दिन में आया था आपके पास मिलने के लिए लेकिन जो मैंने ट्रेसिंग पे फोन लगा रखे हैं मेरे को लोकेशन मिल गई मैंने अपने सरपंच साहब है दिलीप मैंने इसको मुलजिम भी दिखाए हैं और मैं तुरंत भाग्या हूँ और रस्ते में मैंने ये फिटे हैं मौजूद गवाह हैं मैं नए गड्डी में गिर गए और ये थाने में छोड़ आया फिर ये आपने जाम लगा दिया ये मैं आड़ा गया मतलब 4 मुलजिम कल तर अब तक उठा लिए हैं बाकी भाई जो समय दोगे तो मैं शांत आई सारे ने उठा लो आपने जी देखो सुनो बाकी भाई देखो आप कुछ भी कह सकते हो पब्लिक है कोई किस तरह की कहेगा कोई किस तरह लेकिन मैं कल से आज तक ये देखो प्रोग्रेस एक ना है। आप जिस बात से नाराज हो रहे हो मैं आया शीश पार्लर के बारे आप इकट्ठे हुए मिले लेकिन मन ने जो लोकेशन मिली भाई वे आदमी वहाँ खड़े हैं मन ने उनने उनको दोया को उठाया अभी आपके गांव से लेके गया मन ने ये सरपंच साहब मिले इनसे तसल्ली कर उन मैं थाने में छोड़ गया ठीक है ना ये बात हो रही है तो मेरा कहने का मतलब है रोड जाम ना करो सुनो रोड जाम ना करो डेड बॉडी का दाह संस्कार कर दो मैं सांस तक ना सांस तक सारे मुलजिम जो बुकाया है ना भाई मेरे पे यकीन करो सुनो मेरे पे यकीन करो मैं शाम तक 110% सारे ने उठा लूंगा लेकिन मेरे को यहाँ ही खड़ा रखोगे तो भाई वो आप देखिए ऊपर आपने एहसास दिलाया था हमारे को अगर हमने रात रात का टाइम दे दो रात रात उठा लेंगे एक आदमी उठाने के बाद नू बता दो आप खरकड़ा साहब आए थे उनके साथ भी थे उनके साथ उनने जाते हुए अब उल्टे पड़ गए 2 मिनट भी रात ने बताओ रात ने 2 मिनट कोई एक नू बताओ 112 के आने के बाद कोई भी आया तो बताओ मैं गाँव उतरा जाऊंगा सुनो मेरी बात सुनो कई बार टाइम लेना है कई बार चक्कर मार गए परमानेंट है और अपने चले जाना
मैंने सुनो मन ने ये कही है उनको ये कह रखी है भाई एक जगह नहीं रुकना आपने सारे गाँव में घूमते रहना ये कह रहे आप क्यों बताओ जी आपने सब साल के बाद इतने उठाए हैं सच्चाई तो बताओ इसमें प्रूफ तो होगा एक घर उठाने के होगा दूसरी लोग 12 है दूसरी लोग 10-12 है आप उनको बताने में डर क्यों रहे ये क्यों नहीं बताते आप नाम लेने में डर रहे क्या बात है बल्लू कल बता दो भी आपने केक को अलग अलग दिखा डरते क्यों ये नहीं बताते मेरे को क्यों आप प्रशासन होते हुए नाम बता दो अभी दलित को लेकर तो कभी मेरे वाले तो ये देख रहे कौन उठा रखा है नाम बता दे ना कौन है दलित कौन उठा रखा है ये संजय और कुलदीप संजय को 2 दिन पहले भी देखा था मैंने देखा था थाने के अंदर वो फिर छोड़ दिया आज फिर पकड़े आप संजय और कुलदीप नहीं कोई नहीं छोड़े संजय और कुलदीप अरे प्रवीण का पापा उठा के ले गया हूँ संदीप को मैं नाम पकड़ दूँ दरोगा जी हाथ जोड़ कर एस पी डी एस पी तक यहाँ नहीं आएंगे जब तक हम धरना नहीं उठाएंगे SP DSP तक यहाँ नहीं आएंगे जब तक हम धरना नहीं उठाएंगे आप जितना प्रेशर इन पर हाँ सत्य बात है ये हमारे हमारे पीछे लग रहे दुर्गा जी आप इनका सहयोग दो ये बेचारे देखो 3 दिन हो गए यहाँ बैठे गाड़ में बैठे कोई एक छोड़ो इनका सहयोग दो सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इनके साथ रहो इन न्याय दवाओ न्याय दवाओ गलत काम कर रहे क्या ऐसा चाहिए यही करूँ मैं अगर तू उठाओ ये तो ये सोचा है ये ये तो बहुत बहादुरी के बेचारे शांति से बैठे ये गलत काम ना उठा भाई कोई गलत काम नहीं उठाना है तो कोशिश करेंगे ये बुजुर्ग अपने साथ हैं जितना होगा उतना आदत है भाई का मत खरक आपस में सलाह मशवरा करते पूरा गांव यहां एक दहशत की माहौल में खड़े है है अरे प्रशासन गया काड़े है खरकड़ा साहब इनके साथ आ गए 10 मिनट देगा और यहाँ भी नहीं पहुंचने की हिम्मत हुई कम से कम यहाँ आते 2 मिनट जो तो देते यहाँ तक भी नहीं पहुंचे वापिस वो बात सच्चाई होगी कि हमने थाना खरीद रखा है तो खरीदने की तो यह साबुत होगी यहाँ तक आने की भी हिम्मत नहीं हुई खरीद गया कुछ नहीं अगर खरकड़ा साहब आए हाथ मिनट अपनी चले गए इनकी राजनीति है वोटा के हमारे घूम रहे हैं ना कुछ हो रहा ना तो इतना होता तो नुकता इनका राज था सब कुछ था क्यों नहीं उठा रहे हैं इसकी अच्छा में शर्म मनोभाव होगा दोस्तों ये दिखाई हमने गवाना से महम रोड की जो रूपरेखा है जाम लगाए बैठे ग्रामीण और काफ़ी संख्या में महिला बैठी अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए मैं हूँ खरकबैसी से ऋषि पाल दूँ जय हिंद वंदे मातरम।